व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से जब जीवन में मार पड़ता है तो वो ज्ञानी उससे और निखर जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। अज्ञानी उससे धस जाता है, दुखी हो जाता है, नकारात्मक मानसिकता को बढ़ा देता है। तो हमें यही ये सीख रखना है, किसी भी परिस्थिति में जब भी कोई मार पड़े जीवन में, उससे निखर जाए, उससे ऊपर उठ जाए, प्रसन्नतापूर्वक उस चीज़ को अपने मन में लेकर फिर वो परेशान नहीं होना। ये ज्ञान का लाभ है। यदि तुम ज्ञान सुनते हो, ज्ञान की चर्चा करते हो, उसमें रुचि लेते हो, उसका यही लाभ है। हर परिस्थिति में जो व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हो उन सब में से तुम खिलते जाओगे, निखरते जाओगे, प्रसन्नता और उभरेगी। ये कठिन है मगर असाध्य नहीं है, दुस्साध्य है, असाध्य नहीं है, इसको साधना है। ठीक है कि प्रयत्न करके देखो। तुम एक हफ्ते के लिए सोचो, हर परिस्थिति में मैं अपने मन की समता को, स्थिरता को, स्थिमिता को, अपनी प्रसन्नता को नहीं खोने वाला हूँ। ये मन में सोच लेने से ही उस दिशा में फिर आप चलने लगोगे। हो सकता है 10 बार आपको उसमें असफलता मिले, पर अवश्य 11वां बार आपको सफलता मिल जाएगी।